आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, ओके, जिसमें ये फॉर्मूलेज हैं। अब मैंने आपको बता रखा है क्या कि कॉस्ट प्राइस जो हमारी जेब से टोटल पैसा निकला, जनरली हम कैसे ना आई बाय अ पेन फॉर 10 रुपीज, मैंने 10 रुपए का पेन खरीदा और हम उसे लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज, ठीक है, और मैंने उसे 15 रुपीज में बेचा तो सेलिंग प्राइस 15 रुपीज हो गया, तो इस हिसाब से देख लेंगे हम प्रॉफिट निकलेगा या लॉस। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट निकलता है और अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो लॉस निकलता है, ओके। लेकिन अब एक और चीज है, मैंने आपको कहा कि कॉस्ट प्राइस मतलब जो हमारी जेब से टोटल पैसा निकला, पॉकेट से कितना निकला। अब ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अब वेजिटेबल, अब उधर मत कर दियो, अ वेजिटेबल सेलर बॉट पोटैटोस 200 रुपीज, उसने कितने का पोटैटो खरीदे, 200 रुपए के, ओके। 20 स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, अब वो जहां से खरीदे उसने वो लाएगा भी तो सही, मार्केट से अपने घर भी तो लाएगा, तो उसपे उसने 20 रुपीज खर्च कर दिए। एंड सोल्ड देम 290 और उसे बेचा 290 रुपए में, 290 रुपीज में। आपको निकालना है प्रॉफिट या लॉस। देखो अब इसमें क्या है, अभी मैंने लिखा नहीं, तो अब जैसे वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए, या मान लो मैंने एक टीवी खरीदा और उसको मैंने ठीक कराने का खर्चा दिया, वो खराब था, मैंने उस पर ठीक कराने पे 1000 रुपीज खर्च कर दिए, फिर मैं उसे घर लाई उस पर मेरे 50 रुपीज खर्च हो गए, तो जो जितना भी ये खर्च होता है ना ठीक कराने पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इन सबकी हम एक ही लाइन लिखते हैं, ओवरहेड चार्जेस। क्या लिखते हैं? ओवरहेड चार्जेस। तो यहां ओवरहेड चार्जेस क्या है, 20 रुपीज। अब हमें जो है प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, तो अब हम सेलिंग प्राइस ये नहीं, कॉस्ट प्राइस हम ये नहीं लेंगे। मैंने आपको क्या कहा कि हमारी पॉकेट से कितनी मनी निकली, तो हमारी पॉकेट से मनी निकली ये 200 भी और ये 20 भी, तो अब हम इसे ऐसे लिखेंगे टोटल सीपी 200 प्लस 20, 220 रुपीज। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है 290, सेलिंग प्राइस आ गया 290, ये आ गया 220, रुपीज 70 का प्रॉफिट हुआ। कैलकुलेशन आप अपने आप चेक कर लेना। तो अब आप जब भी फॉर्मूले में यूज करोगे ये सीपी, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि खरीदना तो होगा ही, कॉस्ट प्राइस और परचेज बाय वो तो है ही है, इसके अलावा कहीं और तो पैसे खर्च नहीं हो रहे, अगर वो भी खर्च हो रहे हैं तो आप उसको भी प्लस करोगे और टोटल सीपी आप फॉर्मूले में वो पुट करोगे। देखो अब ये क्वेश्चन है, अ प्रॉपर्टी डीलर परचेज्ड अ हाउस 1,50,000 का, उसने एक घर खरीदा, ही स्पेंट 15,000 ऑन इट्स रिपेयरिंग, रिपेयरिंग पे उसने कितना खर्च किया, 15,000। 6 मंथ्स बाद ही सोल्ड, उसने ये घर बेच दिया 2,015,000 का। अब गेन और लॉस निकालना है, सेम क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस क्या है ये, अब रिपेयर किया है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ओवरहेड चार्जेस और फिर टोटल सीपी, ये आ गया जैसे अभी यहां क्वेश्चन में किया है, सीपी ओवरहेड चार्जेस टोटल सीपी, और टोटल एसपी कितना दिया है 2,15,000, और ऐसे ही निकाल लेंगे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा।